हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको ये वाला डोरी तैयार करना सिखाएंगे। ये डोरी आप किसी भी डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कपड़ों को हम इस साइड इस तरह से खींचेंगे। देखिए, खींचने से लंबा हो रही है तो हम इस साइड कटिंग करेंगे। और ये जो हमारा स्केल है ये 1 इंच का है। हमको जो पट्टी ले डोरी के लिए पट्टी लेना है वो 1 इंच चौड़ाई होना चाहिए। हम दोनों साइड इस तरह से मार्क कर लेंगे। स्केल को रखते हुए और एक बार मार्क करेंगे और इसको हम कटिंग कर लेंगे मार्क के ऊपर से। अब हम पट्टी को जॉइंट करेंगे। ठीक है, एक के ऊपर और एक पट्टी को इस तरह से रख देंगे और इस कोन से इस कोन तक स्टिच करेंगे। और एक्स्ट्रा कपड़ों को हम कट कर लेंगे। देखिए, फिनिशिंग बहुत अच्छा आता है इस तरह से पट्टी ज्वाइन करने में। अब हम इस धागे को यूज़ करेंगे डोरी तैयार करने में। धागे को हम कपड़े के सेंटर में रख देंगे और इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। आप उंगलियों की मदद से इस तरह से कपड़े को रब करेंगे और धागे को कपड़े के एक साइड ले आएंगे। और ये जो चाप है, इस चाप के किनारे से सुई को रखना है और स्टिच करते हुए जाना है। इस तरह से हम पूरा स्टिच करेंगे। और स्टिच करने के टाइम आपको ध्यान से धीरे धीरे करते हुए स्टिच करना है। धागे के ऊपर सिलाई नहीं करना है, धागे के किनारे से सिलाई करना है। देखिए, हम धागे के ऊपर सिलाई नहीं किया, धागे के किनारे से सिलाई किया है। और ये जो एक्स्ट्रा है इसको काट कर लेंगे। अब धागे को खींच कर बाहर कर लेंगे। अब इसको पलटने के लिए सुई और धागे की मदद लेंगे। हम जहाँ पर सिलाई किए थे यहाँ से एक सुई को डालेंगे और थोड़ी गांठ दिए थे इसको हम थोड़ी पतली कर लेंगे। अब सुई को धागे के सेंटर से ले जाएंगे। सुई के पीछे से इसको इसके अंदर डाल देना है।
आप इसको हल्के हल्के से खींचेंगे और रब करते हुए जाएंगे। इस तरह से रब करते हैं करेंगे और खींचेंगे। हल्के से इसको इस तरह से खींचेंगे। पहले हम डोरी को थोड़ा निकल लेंगे, इसके बाद अब इसको इस तरह से खींचेंगे और खींच कर डोरी को बाहर कर लेंगे। डोरी हमारा तैयार हो गया है। अब इस साइड धागे को कट कर लेंगे और इस साइड भी कट कर लेंगे। देखिए हमारा डोरी तैयार हो गया है और ये बहुत पतली है।